नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने मटर पनीर की बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ। एक बार आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको मटर पनीर बनाने कोई भी झंझट नहीं लगेगा, बहुत ही इजी तरीका है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आने के बाद लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये मटर पनीर की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मटर पनीर बनाने के लिए सारी सामग्री इकट्ठा कर ली है। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर को मैंने थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में किया है। एक कप मटर को बॉईल करके रखा है, आजकल मटर बहुत हार्ड आ रही है तो उसको बॉईल करके लिया है। 3 बड़े साइज के प्याज है, अदरक और लहसुन है, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, 1 से 1.5 इंच अदरक का है और 3 टमाटर है, जितना प्याज उतना टमाटर को रफली सभी चीज़ों को चॉप करके लिया है। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा है, तेल जब अच्छा गर्म हो तो इसमें हम पनीर डालकर पहले फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने पनीर को ऐड कर दिया है, हाई फ्लेम पे ही इसे हमें फ्राई करना है ताकि ये टूटे ना, बहुत ही झटपट से ये क्रिस्पी होने लगता है। तो इसको अलट पलट कर 1-2 बार हल्के हाथों से कीजिएगा, नहीं तो टूटने लगते हैं। जब हमारा पनीर थोड़ा पक जाए, फ्राई हो जाए, तो उसको हम निकाल लेंगे। 1 से 2 मिनट ही लगे, हाई फ्लेम पे ही इसे हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए, पनीर को फ्राई कर लिया है। पनीर फ्राई करने से जो मटर पनीर का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो फ्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसे हम निकाल लेते हैं और जो सेम बचा हुआ तेल है उसी में हम बाकी की चीज़ें भी कर लेंगे। तो देखिए, लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल है, तेल उसमें हम डाल देंगे। कुछ खड़े मसाले, जो भी आपके पास खड़े मसाले अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। मैंने दालचीनी के टुकड़े और काली मिर्च और ज़ीरा 1/2 छोटा चम्मच ऐड किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से चटकने दिया है। उसके बाद जो हमने प्याज को काटा था उसको डाल देते हैं, रफली चॉप किया है, बिल्कुल बारीक बारीक नहीं किया है। इसको डालकर हाई टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, या तब तक जब तक ये हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन और अदरक को इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे और प्याज के साथ इसे हमें कुछ सेकंड के लिए भूनना है, या तब तक जब तक प्याज और लहसुन थोड़ा सा पक ना जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये हम फ्राई कर लेते हैं जब तक, तब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। दोस्तों, इस तरह से आप मटर पनीर एक बार बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं, कुछ ही समय में जो प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अदरक लहसुन भी अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम जो टमाटर चॉप करके रखे थे उसको भी ऐड करेंगे और डालकर अच्छे से मिक्स करके इसे हमें तब तक पकाना है जब तक टमाटर गल ना जाए, अच्छे से मैश ना हो जाए, टमाटर जल्दी गल जाए। तो इसी स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक, तो लगभग 1/2 छोटा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है। और इसको मिक्स करके अच्छे से अब हमें पका लेना है 3 से 4 मिनट तक, या तब तक जब तक प्याज लहसुन अदरक सभी चीज़ें सॉफ्ट ना हो जाए। दोस्तों, तो इसके हम थोड़ा सा कवर कर सकते हैं या आप खुले में ही पका सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे लगभग 1 बड़ा चम्मच पानी, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए और सभी चीज़ें अच्छे से पक जाए। तो इसको डालकर अच्छे से मिक्स करके कवर करके 1 से 2 मिनट तक हम पका लेंगे। और कुछ ही समय में आप देख सकते हैं, प्याज टमाटर सभी चीज़ें को अच्छे से हमने पका लिया है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज और लहसुन सभी पक चुके हैं। इसको हम डाल देंगे ग्राइंडर जार में और इसको हमें ठंडा होने के बाद ग्राइंड कीजिएगा। दोस्तों, गरम गरम में मत कीजिएगा इसको, जब ठंडा हो जाए तब ग्राइंड करके तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सेम कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच और सरसों का तेल डाला है। तेल जब अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने साज़ जीरा लिया है, आप प्लेन वाला जीरा भी यूज कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे और जो हमने मसाला पीस कर रखा था उसको ऐड कर देंगे। पानी बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको ऐसे ही ग्राइंड करना है, इसको पानी डालकर बिल्कुल मत कीजिएगा। और जब अच्छे से इसको डालकर हम मिक्स करेंगे और इसी के साथ साथ हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे ताकि इसके साथ मसाले भी पक जाए। तो 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और उसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले से तेल अलग होने तक पका लेंगे। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और जो मिक्सी में थोड़ा सा मसाला लगा था उसमें पानी डालकर आप यूज़ कर लीजिए, लेकिन पानी बिल्कुल गर्म ही यूज़ कीजिएगा, ठंडा पानी आप मत यूज़ कीजिएगा। डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर इसे हमें तब तक पकाना है जब तक मसाले से तेल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं, पानी डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब कवर करके इसको हम पकाएंगे तब तक जब तक
मसाले से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और ये बहुत ही कम समय में क्योंकि हमारा मसाला ऑलरेडी पका हुआ है तो ज़्यादा समय नहीं लगती सब्जी को पकने में, जब एक बार अच्छे से पका लेने के बाद। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मसाले से तेल अलग हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच दही। दही फ्रेश यूज कीजिएगा, ज़्यादा खट्टी मत लीजिएगा। डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद इसे हमें फिर से वही प्रोसेस में अच्छे से पकाना है। इसमें हाई फ्लेम पे इसको तब तक चलाना है ताकि ये फटे ना, इसलिए लगातार चलाते हुए जब तक इसमें एक उबाल ना आने लगे तब तक पका लेना है। और कवर करके मसाले से तेल अलग होने तक फिर से इसको हमें पका लेना है। एक बार आप इस तरीके से मटर पनीर बनाइए, बहुत ही पसंद आएंगे। बहुत ही कम चीज़ों से बनकर, ये घर की चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। और आप देख सकते हैं मसाले से तेल बिल्कुल अलग हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे मटर बॉईल करके रखा है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो इसको पहले ही ऐड करके भूनिएगा क्योंकि कच्चे रह जाते हैं। अब इसको डालकर इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे मसाले के साथ, ताकि मसालों का फ्लेवर मटर में आ जाए। तो कवर कर देते हैं और कवर करके 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मटर को भी हमने अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। अब जो हमने पनीर फ्राई करके रखा था उसको डालकर इससे भी अच्छे से मिक्स करके फ्राई 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, क्योंकि हमने जो पनीर ली फ्राई की है वो कड़क हो जाती है। तो इसे थोड़ा सा मसालों के साथ भून लेंगे तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसे हम थोड़े से समय के लिए पकाएंगे और उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। बहुत ही टेस्टी हमारी मटर पनीर बनकर हो जाएगी तैयार। तो देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही मसालों के साथ ड्राई भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो इसे हमने अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लिया और आप देख सकते हैं इसका कलर भी मसाले का बहुत ही अच्छा आ गया है। अब ऐड कर देते हैं पानी। तो पानी आप गर्म यूज़ कीजिएगा, ठंडा पानी मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो हमारी कुकिंग प्रोसेस रुक जाती है, सब्जी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसको आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी एडजस्ट कर लीजिए। मैं इसे थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ, आप इसे थोड़ा सा थिक भी बना सकते हैं। डालकर इसे हम पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान दीजिए, हमने पहले भी नमक ऐड किया था जब टमाटर पकाया था। थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके डालेंगे, इसका फ्लेवर मटर पनीर में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। तो 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं और ढककर से हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे हमारी सब्जी। क्योंकि हमने इसमें गरम पानी ऐड किया है तो इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही हमारी मटर पनीर बनकर हो जाएगी तैयार। तो कवर कर देते हैं दोस्तों और इसको पकने देते हैं 2 से 3 मिनट तक। और आप देख सकते हैं कलर हमारी मटर पनीर का कितना ज़बरदस्त आया है। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। तो इसमें हम ढेर सारी कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं और डालकर अच्छे से मिक्स करके इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे, पूरी पराठे या प्लेन राइस के साथ। सभी के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार आप इस आसान तरीके से मटर पनीर बनाइए, आप बाहर का रेस्टोरेंट का मटर पनीर खाना भूल जाएंगे। बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी तरीके से मटर पनीर ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक इसी तरह घर का हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।